मंगलौर में पेट्रोल पंप कर्मचारी से हुई 33 लाख की लूट के बाद लक्सर पुलिस हरकत में आ गई है और इसके लिए लक्सर सीओ ने मंगलवार को क्षेत्र के पेट्रोल पंप के मालिकों के साथ एक बैठक ली। इस बैठक में उन्होंने कहा कि सुरक्षा के लिए पेट्रोल पंपों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, साथ ही सुरक्षा गार्ड की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाएगी। इसी के चलते सीओ ने लक्सर में खास मीटिंग की। पेट्रोल पंप मालिकों को सुरक्षा के इंतजाम देने की बात कही गई। इस बैठक के दौरान आपको बता दें कि लक्सर में पेट्रोल पंप से 33 लाख की लूट का यह मामला सामने आया, जिसके बाद सीएनओ पेट्रोल पंप मालिकों के साथ एक खास मीटिंग की और इस मीटिंग के दौरान उन्होंने पेट्रोल पंप मालिकों को किस तरह से सुरक्षा दी जाए इस पर खास तौर पर चर्चा की गई। दरअसल लक्सर में पेट्रोल पंप के मालिक से 33 लाख की लूट का मामला सामने आया था और उसके बाद सीओ भी काफ़ी अलर्ट हो चले हैं, जिसके चलते उन्होंने एक खास मीटिंग का आयोजन किया। इस मीटिंग में सभी पेट्रोल पंप मालिकों को सुरक्षा कैसे मिले इसके लिए खास तौर पर चर्चा की गई। 33 लाख की लूट का यह मामला सामने आया था। में जितने भी पेट्रोल पंप मालिक हैं इनको बुलाया गया है, इनसे वार्ता की गई है और इनको सुरक्षा के प्रति सचेत किया गया है और इनसे भी अनुरोध किया गया कि हो सके तो संभव हो गार्ड भी रखें पेट्रोल पंप पर और कैमरे भी लगाएं और कैश भी जो है जो ओपन ना रखें, जो लोगों को पता लगे जो भी कैलकुलेशन है गिनती करता है पैसे से कि बंद कमरे में गोपनीय ढंग से करें और किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम पर बैंक में जमा कराने ना जाएं।